सब्सक्राइब करें आरजे टेक्नोलॉजी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मोहित राज, आप देख रहे हैं आरजे टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, एक रिव्यू करने वाले हैं एक प्रोडक्ट का, एक फोन का, जो कि शायद इन वर्ल्ड का सबसे छोटा फोन, बहस बहुत छोटे फोन है, माइक्रोफोन तक चल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बजट में जो आपको लगभग 700 से 800 रुपए का मिल जाएगा नॉर्मली किसी भी शॉप पे, या आप अमेजोन से लेने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अमेजोन से भी 700 से 800 रुपए तक का इस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं। तो मैं कहने वाला था कि सबसे कम कीमत का और सबसे छोटा फोन, शायद इससे छोटा कोई इतनी कीमत में नहीं मिलेगा, बहुत ही छोटा फोन है, तो इसका हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। तो आगे वीडियो में इसके बारे में बताएंगे किस तरह से इसमें फीचर्स है, क्या क्या हमको मिलता है, कितना छोटा है, कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये हमें हमारा जो फोन है वो है, इसके बारे में कुछ पीछे डिटेल्स दी गई है, 0.66 इंच की इसकी डिस्प्ले वगैरह है। तो देखिए इस तरह का इसका बॉक्स आपको मिलेगा, काफी अच्छा बॉक्स है, और अगर हम देखते हैं तो इसका जो मॉडल है वो आपका है इसका केचौड़ा है जो A27, ये आपको दिख रहा होगा केचौड़ा A27 इसका मॉडल नंबर है, जिसे आप परचेस कर सकते हैं किसी शॉप से या कहीं अमेजोन वगैरह से। तो अगर हम अब इसके केस की बात करें तो देखिए इसका जो केस दिया है बहुत ही अच्छा है, मेटल का इसका बॉक्स दिया गया है जो कि काफी मजबूत भी है, आप इस मोबाइल के अलावा किसी और भी काम में ले सकते हैं। तो देखिए ये केस है, इसमें अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से हमें फोन और यूएसबी केबल मिलता है, इधर दो हमें कार्ड मिलते हैं, इसमें एक इंस्ट्रक्शन कार्ड दिया गया है, एक वारंटी कार्ड है, ये आपका वारंटी कार्ड है जो और ये आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन कार्ड में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल दी गई है छोटी मोटी, क्योंकि फोन का बजट कम है तो यार कार्ड भी कम है, मतलब खर्चा भी कम करना पड़ेगा कंपनी को जब फोन का बजट कम है। तो इसके बाद हम इसको अलग हटाते हैं, तो अब हम देखते हैं मेन जो हमारी डिवाइस है वो, तो ये है हमारा फोन। देखिए काफी छोटा फोन है, आप देख सकते हैं, उम्मीद भी नहीं होगी आपको कितना छोटा है। तो इस कुछ इस तरह का इसका बॉडी है, बॉडी भी काफी इसका वो है, अच्छा है। देखिए इसको ऑन करके देखते हैं हम, ऑन सॉरी इसमें बैटरी भी इंस्टॉल नहीं की है, तो हम ये बैटरी है इसकी, तो बैटरी को हम इसमें बैटरी इंस्टॉलिंग करते हैं। तो देखिए बैटरी भी, फोन खूब छोटा है तो नॉर्मल से वाला है, बैटरी भी छोटी हुई और काफी प्यारी बैटरी है यार, फोन भी काफी प्यारा लगता है यार हाथ में पकड़ने में। तो इसमें हम बैटरी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो देखिए अगर अंदर की बात करें हम तो डुअल सिम इसमें हम डाल सकते हैं, डुअल सिम और एक मेमोरी कार्ड या एक सिम लगा सकते हैं मेमोरी कार्ड के साथ। देखिए अब हम बैटरी लगाते हैं, तो अब हम अगर इसको ऑन करते हैं तो देखिए ऑन करते देख काफी प्यारा साउंड भी आता है इससे, मतलब जो कि नॉर्मली किचौड़ा का साउंड है, जो बूटा साउंड है। देखिए अब हम फोन हमारे ऑन हो चुका है, तो देख सकते हैं काफी अच्छा भी लगता है यार हाथ में। अब इसकी स्क्रीन देखिए, इसकी स्क्रीन 0.66 इंच की है, सोचिए कितनी छोटी होगी। और देखिए इस पे अभी इंसर्शन सिम नहीं डाला हमने, तो इसकी अगर फंक्शंस की बात करें तो बीटी डायलर मिलता है हमें, ये अच्छी बात है यार, बीटी डायलर फोन बुक। और देखिए मुझे बटन दबाने में भी प्रॉब्लम हो रही है इसकी, काफी छोटा फोन है ये, तो कॉल सेंटर भी मिलता है हमें, मैसेजिंग और टूल्स मिलते हैं और सेटिंग और ऑडियो प्ले मिलता है जो कि हम मेमोरी कार्ड के गाने इसमें प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्डर, एफएम रेडियो, फाइल मैनेजर और जोन सॉरी इंटरनेट भी मिलता है हमें ये, तो ये बहुत अच्छी बात है फोन के थ्रू। तो देखिए अब अगर हम इसमें बटन प्रेस करते हैं तो साउंड भी आता है, आवाज भी आती है बटन की, जो भी साउंड है जैसे जैसे हम नंबर प्रेस कर रहे हैं तो देख सकते सुन सकते हैं आप, काफी अच्छा लगता है डायलिंग करते टाइम भी। और बटन काफी छोटे हैं इसके यार, ये एक गलत बात क्या है, फोन नहीं छोटा है, अगर हम कंपैरिजन करें इसको अपने एक जियो फोन से तो देखिए उसकी स्क्रीन जितना बड़ा भी ये फोन नहीं है, स्क्रीन जितना ही बड़ा मानो इसे, देखिए उसकी जियो फोन की जितनी स्क्रीन है उतना बड़ा ये पूरा फोन है, तो आप देख सकते हैं सोच सकते हैं कि कितना छोटा ये फोन होगा। तो बाकी इसके बॉक्स अगर देखते हैं तो बॉक्स में हमें यूएसबी केबल मिलता है एक, बस इसके बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें वारंटी कार्ड और यूएसबी केबल, क्योंकि यार फोन का जो बजट है वो काफी कम है, तो कंपनी क्या क्या देगी इस फोन के साथ। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये फोन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप इस फोन को 700 से 800 रुपए में परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, और स्नैपडील पे भी मिलता है, खैर वीडियो में जो लिंक मिलेगी वो अमेजोन की है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक टेक्नोलॉजी और टिप्स के साथ, तब तक लिए दोस्तों भाई अपना ख्याल रखिए और बने रहिए आरजे टेक्नोलॉजी के साथ। साथ ही साथ दोस्तों आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपकी इच्छा हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।